ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 4.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन सच डेट बी सी रेशियो एम एन, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। उन्होंने दो ट्राइंगल सिमिलर बताए, क्या इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट सेम आ रहे हैं? उन लोग की वर्ड कॉमन एंगल दिख रहे नहीं ना, कॉमन एंगल नहीं दिख रहे। और दूसरा लोग ने एक रेशियो दे दिए बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। अच्छा, ये जितनी भी साइड दी है वो काय की दिए, ए बी सी की दिए कि एल एम एन की? ए बी 5.5, बी सी 6, सी ए 4.5, है ना, तीनों एक ही ट्राइंगल की सब साइड दिए और एल एम एन का कुछ भी नहीं दिया और रेशियो दे दिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना ज़रूरी है, एनालिसिस करेंगे। मेरे को मालूम है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन का, गिवन। और इन्होंने तीनों साइड दिए, ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड क्या रहती है, प्रपोर्शन, ए बी अपॉन एल एम, ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। ये इक्वेशन नंबर वन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, उन्होंने कोई एंगल नहीं दिए, सब ट्राइंगल दिए, बट बी सी उन्होंने एक रेशियो दिया ना, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। ये इक्वेशन नंबर टू गिवन, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल, और उन लोगों ने एक ये रेशियो दी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बी सी की जगह पे ये लिखते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। फ्रॉम वन एंड टू तीनों साइड तीनों रेशियो लिखेंगे और उसके बाजू में 5/4 लिख देंगे। तो अपन लिखेंगे ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन इज इक्वल टू 5/4 फ्रॉम वन एंड टू। आया समझे? अभी क्या करो, पहले ये दो रेशियो लो, फिर ये दो रेशियो लो, फिर ये दो रेशियो लो और सॉल्व कर देगा। तो पहले ये दोनों को ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4 देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू दे हैड गिवन 5.5, तो ए बी की जगह पे 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4। जो फाइंड करने को उसको पहले क्रॉस करेंगे, एल एम मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4, एल एम इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड 5 वन ज़ा 5 देयरफॉर एल एम इज इक्वल टू 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई। तो तुम लोग रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना, फिलहाल मैं इधर कर रहा हूँ, 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 वन ज़ा 4 वन ज़ा एक नंबर के पहले पॉइंट 4.4, यानी एल एम की वैल्यू कितनी आ गई, 4.4 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अभी ए बी अपॉन एल एम लेके सॉल्व करें, अभी ए बी अपॉन एल एम लेके सॉल्व करें, अभी बी सी अपॉन एम एन, बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4 देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, 6 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। जो फाइंड करने का उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, एम एन मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, है ना, तो इसको इससे क्रॉस और इसको इससे क्रॉस, एम एन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4, एम एन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना देगा, 24, कितना देगा, 24 अपॉन 5, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 24 को 5 से डिवाइड, रफ में कहना, रफ में तुम लोग कैलकुलेशन करना, 5 ज़ा 24 इधर 5 4 ज़ा 20 4.0 5 ज़ा 40 कितना आया, एम एन आया 4.8 सेंटीमीटर, एम एन आ गया 4.8 सेंटीमीटर। अभी क्या करेंगे, ए सी अपॉन एल एन इज इक्वल टू 5/4, ए सी की वैल्यू कितनी मिली है, ए सी यानी सी ए 4.5
अपॉन एल एन इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर। एल एन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एल एन इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन, ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, 5 × 5 5 के टेबल में 45 आता है लेकिन 4.5 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 0. अब ये बन गया 45, 5 × 9 = 45 एल एन इज इक्वल टू 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 9 = 36 कैरियर 3, 4 × 0 = 0 और ये 3 एक नंबर के पहले पॉइंट, 3.6 सेंटीमीटर। अब ये मैंने क्या करा, एनालिसिस करा। अभी मेन तो ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है, उन लोग क्वेश्चन में बोल रहे कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन, तो ए बी सी की सब वैल्यू तो उन्होंने दिए थे, तो पहले हम लोग ए बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद में एल एम एन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या रहेंगे उन लोग सिमिलर, क्या रहेंगे सिमिलर। तो सबसे पहले अपन लोग रफ फिगर बनाएंगे, एनालिटिकल फिगर, पहले वो एक मिनट, पहले एनालिटिकल फिगर बनाएंगे और तीनों साइड की वैल्यू दी उन लोग ने, है ना, उन्होंने तीनों साइड की वैल्यू दिए थे क्वेश्चन में, ए बी सी, ए बी सी उन लोग ने ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू दी है 5.5, बी सी की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू कितनी दी है 4.5 सेंटीमीटर। ये मैंने एनालिटिकल फिगर बनाया, अब इसी के तुम लोग मेन फिगर बनाएंगे। बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी बनाया 6 सेंटीमीटर। अभी ए बी बनाएंगे 5.5, बी सी ए कितना है 5.5, और ए सी ए कितना है 4.5। ये गिवन ट्राइंगल का फेयर फिगर बना, उन्होंने एक ट्राइंगल की वैल्यू दी है ना, तो ये गिवन ट्राइंगल की फेयर फिगर बनी। अब वैल्यू उन लोग की मेजरमेंट लिख के बताने का, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अभी इसी से रिलेटेड मेरे को एलिमेंट बनाने का जो उसका सिमिलर ट्राइंगल है, उन्होंने क्या बोले ट्राइंगल एलिमेंट बनाने, और एलिमेंट की भी सब वैल्यू फाइंड कर लिया अपने, वो ए बी सी था, अब ये क्या है एलिमेंट, तो एलिमेंट की रफ फिगर बनाओ। एल एम एन, एल एम की वैल्यू 4.4, एम एन की वैल्यू 4.8, एल एम 4.4 सेंटीमीटर, एम एन 4.8 सेंटीमीटर, 3.6, और एल एन कितना था 3.6 सेंटीमीटर। अब इसका तुम लोग मेन फिगर बनाएंगे, इसके तुम लोग मेन फिगर बनाएंगे। अच्छा तुम लोग चाहो ना तो बेस लाइन बनाने का ना, तो तुम लोग ऐसी लंबी लाइन भी बना सकते हो, ये मैंने ऐसा, ये जो लाइन है ना तुम लोग ऐसी करो आदत, ये लंबी लाइन बनाओ, क्या बोल रहे हैं एम एन कितना है 4.8, एम एन है 4.8, ये पॉइंटर किधर भी रखो, मैंने इधर पॉइंटर रखा, कितना है वो 4.8 ना, एम एन यहाँ पे रखा, अब फिर ये पॉइंटर मैंने इधर रखा, यानी यहाँ पे तुम्हारे को कौन मिल गया एम और ये एन, 4.8 सेंटीमीटर, समझ रहे,
अभी M से लेके L कितना है 4.4, और M से L कितना है 3.6। फोर सेंटीमीटर और ये 3.6 सेंटीमीटर। और इससे तभी तुम लोग ऐसे ही करो, पहले बेस लाइन बना दो फिर उसके ऊपर बी सी बनाओ, समझे। ये दो ट्राइंगल ए बी सी और एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया अपने। ये गिवन ट्राइंगल का फेयर फिगर है और ये जो सिमिलर ट्राइंगल का जो दूसरा था जिसकी वैल्यू नहीं देते एल एम एन उसकी फिगर।